आज डायनामाइट न्यूज का नवीं वर्षगांठ है। इस शुभ अवसर पर आगंतुक सभी भाइयों का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन और वंदन करता हूं और आशा करता हूं कि जिस तरह से 9 वर्षों में डायनामाइट न्यूज ने समाचार के क्षेत्र में एक कीर्तिमान स्थापित किया, उसी तरह ये आगे भी भविष्य में भी समाचार के क्षेत्र में एक कीर्तिमान स्थापित करें और इसके जो भी संवाददाता और मुख्य कार्यकारी मैनेजर हैं उन्हें भी मैं अब साधुवाद देता हूँ। उन्होंने बड़े मनोयोग से 9 वर्ष इसका समाचार के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का काम किया है। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। डायनामाइट न्यूज़ के 9वीं वर्षगांठ के अवसर पर हम सभी इस पत्रकारिता के क्षेत्र में अहम भूमिका निभाने वाले निर्भीक पत्रकारिता के साथ संपादन करने वाले संपादक मंडल प्रबंधकगण और मुख्य कार्यकारी को साधुवाद देते हैं। धन्यवाद। डायनामाइट न्यूज जो अपनी निष्पक्षता से लेकर और 9 वर्षों में डायनामाइट न्यूज के जो वर्कर हैं वो संवाददाता हैं, उन्होंने निष्पक्षता से अपने जनता की आवाज़ को उठाने का काम किया है। इसके लिए डायनामाइट न्यूज के जितने भी वर्कर हैं जो उसके प्रबंधक हैं जो भी संवाददाता हैं सबको मैं धन्यवाद देता हूँ और उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज देवरिया के सरजमी पे डायनामाइट न्यूज चैनल जो आपके पूरे भारत में लगभग 1 दर्जन से अधिक राज्यों में अपना वर्चस्व कायम किया है निष्पक्षता के साथ, या शासन प्रशासन जनप्रतिनिधियों के प्रति जो भी उदारवादी नीति रही है या जो भी सरकार की नीतियां रही हैं या सरकार विरोधी जो नीतियां रही हैं उनको निष्पक्षता के साथ डायनामाइट न्यूज खुले तौर पर जो है पारदर्शिता के साथ समाचार जो अपना जो प्रकाशित करता है, उसी परिप्रेक्ष्य में आज 9वीं वर्षगांठ पूरे भारत के विभिन्न मंडलों में विभिन्न जनपदों में विभिन्न राज्यों में जो है मनाया जा रहा है। उसी क्रम में देवरिया जनपद में भी जो है आज हमारे अधिवक्तागण एवं पदाधिकारीगण पत्रकार बंधु सभी लोग मिलकर के 9वीं वर्षगांठ आज देवरिया के राघव नगर स्थित दीवानी न्यायालय के बगल में कार्यालय पर जो है सुचारू रूप से इस कार्यक्रम को मनाया गया, जिसमें सारे लोगों की सहभागिता सारे लोगों का सहयोग रहा और मैं आए हुए समस्त मुख्य अतिथियों गणमान्य व्यक्तियों का मैं साधुवाद करता हूँ। साथ ही साथ अपेक्षा करता हूँ कि आप लोगों के द्वारा जो भी जनहित में वैसी आवश्यकताएं पड़ती हैं डायनामाइट न्यूज हमेशा तत्पर आप लोगों के सेवा में रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज समस्त अतिथियों का मैं साधुवाद करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद।